अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरशुमान मिर्जा और वेलकम है आपका मेरे न्यू चैनल सर्जिकल गुरु में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करें। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो जैसा कि सियालकोट में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की इंडस्ट्री 100 साल से कायम है और ये अपनी क्वालिटी की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती है, और साथ ही साथ अपनी क्वालिटी की वजह से ये पूरी दुनिया में अपना माल बेचती है और काफी पसंदीदा माल है सियालकोट की कंपनी का। पाकिस्तानी हुनरमंदों के बनाए गए इंस्ट्रूमेंट्स अपनी क्वालिटी की वजह से पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं और साथ ही साथ पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट्स में भी जिद्दत मांगते हैं और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए ये इंडस्ट्री कायम की गई है, और इस इंडस्ट्री का मेन मकसद ही यही है। और अब चलते हैं अपने चैनल के ऊपर कि हम ये चैनल बनाने का मेन मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके साथ कुछ इस नए चैनल में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि जो हमारे लोग यहाँ पे कुछ जानते हैं और कुछ उनके लिए भी नहीं होगी, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि ये इंफॉर्मेशन हम पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में फैलाएँ, और ये इन्फॉर्मेशन होगी उस इंडस्ट्री के बारे में कि जो सियालकोट में 100 साल से ज़ायद अरसा से कायम है और जिससे वाबस्ता लाखों हुनरमंद इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और इस इंडस्ट्री की बनी हुई प्रोडक्ट्स इस वक्त सारी दुनिया में सप्लाई हो रही हैं। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली इंडस्ट्री के बारे में। ये इंडस्ट्री सियालकोट में 100 साल से ज़ायद अरसा से कायम है और इसके हुनरमंदों के बनाए हुए बेहतरीन क्वालिटी के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इस वक्त दुनिया की तकरीबन हर मंडी में सप्लाई किया जा रहे हैं, और हर अच्छे हॉस्पिटल में, हर क्लिनिक में, दुनिया में, हर मुल्क में इस वक्त सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की मांग है। मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि आजकल चूँकि रेवोल्यूशन का दौर है और हर चीज़ में लोग जिद्दत मांगते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी कुछ जिद्दत आ चुकी है कि जिसमें रवायती इंस्ट्रूमेंट्स से हट के अब डॉक्टर्स डिमांड करते हैं कुछ लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, कुछ इलेक्ट्रोसर्जिकल के बारे में। और मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि ये ऑलरेडी सियालकोट में जो इंडस्ट्री है वो इस वक्त इन पैटर्न पे आ चुकी है कि जहाँ पे वो इलेक्ट्रोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स और लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स बना रही है। हम अपने चैनल के थ्रू ये जो प्रोडक्ट्स जो सियालकोट में बन रही हैं उन प्रोडक्ट्स को, इस इंडस्ट्री को और इसके हुनरमंदों को हम इंशाल्लाह आलमी बाजार में और आलमी मंडी में मुतारफ़ करवाएंगे, और हम दुनिया को बताएंगे कि जो काम सियालकोट में इस वक्त हो रहा है, जो हम लोग कर रहे हैं, वो किस लेवल का है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास किस लेवल के सेटअप और किस लेवल की मशीनरी यहाँ पर दस्तयाब है कि जिसको इस्तेमाल करके और ब्रोकार लाते हुए हम उस तरह के मॉडर्न और जदीद इंस्ट्रूमेंट्स डॉक्टर्स को सप्लाई कर सकेंगे कि जो उनकी डिमांड्स हैं। हम आने वाली अपनी एपिसोड्स में आपको अपने इंस्ट्रूमेंट बनाने के कुछ तरीक़ेकार और इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए जो हमारी यहाँ पे लेटेस्ट मशीनरी इस्तेमाल होती है हम आपको वो दिखाएंगे, हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाएंगे और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की वर्किंग के बारे में भी आपको दिखाएंगे, और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हमारी आने वाली एपिसोड्स में ये सारी शामिल होंगी। शुक्रिया।